नमस्कार, मैं महावीर कुमार स्वामी आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करने जा रहा हूँ जिन्होंने चावल पर 108 अक्षर लिखने का रिकॉर्ड बनाया है। श्रीमती नीरू छाबड़ा जो जयपुर निवासी हैं, जैन समाज से हैं, इन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना के देश के गौरव को विदेशों तक पहुंचाया है। नमस्कार, मैं नीरू छाबड़ा चावल पर सूक्ष्म लेखन कलाकार हूँ और पिछले 40 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। मैंने 1984 से ये काम 2 अक्षर से शुरू किया था और उस पर मुझे 108 अक्षर लिखने तक का हासिल हुआ। मैं उस पर एक चावल पर 108 अक्षर अंग्रेजी में लिख पाई, उसके आगे मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। अंग्रेजी में 108 अक्षर, संस्कृत में गायत्री मंत्र, प्राकृत में नमकार मंत्र और हिंदी में संविधान की पूरी परिभाषा एक ही चावल के दाने पर मैंने लिखी है और संविधान की सभी लिपियों में मैंने काम किया है। अलग अलग धर्मों के बारे में मैंने काम किया है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के मैंने अपनी कलाकृतियाँ बनाई हैं जो कि अपने आप में एक अलग पहचान बनाती हैं, जिसमें सामाजिक समस्याएँ हैं, धार्मिक विषय हैं और राष्ट्रीय विषय हैं। इन सब को लेकर के मैंने आर्टिकल्स भी बनाए हैं जो कि अपने आप में एक अलग अपनी पहचान रखते हैं। मैंने भारत देश में कई जगहों पे मैंने अपनी एग्जीबिशंस वगैरह लगाई, जिसमें चेन्नई, गोवा, जयपुर, दिल्ली, आगरा और ऐसे कई जगह पे हैं जहाँ पे कि मैंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। और भारत से बाहर मैंने जर्मनी बर्लिन में अपनी कला का प्रदर्शन किया, जहाँ पे कि बहुत सराहना भी मिली मुझे और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर के। भारत सरकार की तरफ से मुझे भेजा गया था, 6 कलाकार थे, उसमें एक मेरा भी नाम था। इस बात की मुझे बहुत गर्व है और भारत के कई राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री, बिल क्लिंटन, अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रिंस चार्ल्स, नूर सुल्तान, नजरबायेव, इन सबसे भी मेरे को मिलने का मौका मिला और उनके आशीर्वचन और शुभकामनाएँ उन्होंने मेरे पंजिका पुस्तक में लिखी हैं। मुझे स्टेट अवार्ड और नेशनल अवार्ड और कई सामाजिक अवार्ड भी प्राप्त हुए। मेरी नीरू छाबड़ा मेरी बेटी है, ये जो लिखती है चावल के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। इतने जनों को दिया, सुन सुन के पत्रिका में देख के, अखबार में देख के इतनी खुशी होती है। जब आता है जब खुशी से देखती हूँ। आज सबसे वही, जब से ही ये चंचल थी ऐसी कि कुछ न कुछ करेगी। मैं बहुत अच्छा मतलब समझती हूँ कि मेरी बेटी आज को अवार्ड ले रही है जगह जगह और बहुत अच्छा लग रहा है। नीरू छाबड़ा जी, बहुत समय से आपके बारे में अखबारों में, टीवी में सुनते थे, चावल की ऊपर लिखने की इस मतलब पेंटिंग से लिखने की इस बात को हम टीवी में देखा करते थे और अखबारों में पढ़ा करते थे, तो बड़ा आश्चर्य होता था, विश्वास नहीं होता था। और आज जब मैं आपके सामने हूँ तो बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि हम उस शख्सियत के पास हैं जिन्होंने चावल पर 108 अक्षर लिखने का रिकॉर्ड बनाया है। चावल जो भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है, जिसको हम अक्षत भी बोलते हैं, इतना छोटा होता है जिसमें हम 2-3 अक्षर लिखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। पेंटिंग ब्रश से उसके ऊपर इतना बड़ा रिकॉर्ड और इसके अलावा अन्य बहुत से रिकॉर्ड जो हमने अक्सर अखबारों में पढ़े हैं या टीवी में कभी जब इनको देखते थे तो सुनते थे कि क्या क्या इन्होंने कर दिया चावल के लिए। नीरू छाबड़ा जी के बारे में बात बताना चाहूँगा कि ये चावल पे जो इन्होंने लिखे हैं, इसके लिए इनको देश के जो हमारे गणमान्य नेता हैं, राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ तक कि अपने अमेरिकी राष्ट्रपति जी बिल क्लिंटन जी हैं, उन्होंने भी इनका एप्रिसिएशन किया और एप्रिसिएशन लेटर भी जारी किया। नीरू जी, कहाँ से शुरू हुआ ये आपकी जर्नी, कैसे तो आपके दिमाग में आया कि मेरे को चावल पे लिखना चाहिए और चावल पे क्यों लिखना चाहिए, क्या इसके मतलब दिमाग में कैसे थॉट्स आए? और आप जो कैनवास पे पेंटिंग करती थी और आप एकदम से चावल पे पेंट लिखने लगी, और कितने अक्षर से शुरू हुआ,
फिर आज क्या मुकाम है, इस बीच में आप बहुत सारी ऐसी बातें भी आई होगी जो आपको लगता होगा कि असंभव है, तो मैं चाहूँगा आप अपनी ही जुबान जी इसको दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं नीरू छाबड़ा चावल पर सूक्ष्म लेखन करती हूँ और पिछले 38 साल से मैं ये काम अनवरत कर रही हूँ। मुझे आपने पूछा कि चावल ही क्यों चुना आपने, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगी कि चावल एक तो अक्षत है और ये बीज रूप नहीं है, इस पे कीड़ा नहीं लगता है और ये चावल खराब नहीं होता, इसीलिए मैंने चावल को चुना। और अनाज जो है उनमें कुछ भी आप अच्छा काम करेंगे वो 2-4 महीने में 5 महीने में वो खराब हो जाएगा, लेकिन चावल एक ऐसी चीज है जो कि इसका नाम ही अक्षत है कि कभी इसका क्षय नहीं होता, इसीलिए मैंने चावल पे काम करना चुना। नीरू छाबड़ा का जो कला है वो अद्भुत है, उसे विश्वास नहीं होता जब तक देख नहीं ले, अविश्वसनीय है, एकदम अभिनव है, अनुपम है और अकल्पनीय है। कितने सूक्ष्म पटल पे चावल जैसे सूक्ष्म पटल पे लेखन का काम कोई तमाशा नहीं है, बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता होती है और बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता होती है। मुझे खुशी है कि इन्होंने इसका विधा में इतनी एक्सपर्टीज हासिल की है कि सारी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी उसकी तारीफ करी है और ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम है। साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में 79 में डिप्लोमा किया था, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, शादी के बाद में बच्चे होने के बाद में मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तो मैंने अचानक से ही एकदम से मैंने मेरे साहब से बोला कि भाई मुझे, मैंने डिप्लोमा किया है, मुझे कुछ करना है, मुझे क्या करना चाहती हूँ, तो मेरे मुंह से एकदम ही सहज ही निकला कि नहीं मैं चावल पर लिख कर देखती हूँ। तो इनको भी आश्चर्य हुआ कि चावल पे तुम कैसे लिख सकती हो, मैं क्या देखती हूँ, मैंने कभी सीखा नहीं है ना, कभी मैंने किसी को देखा था चावल पे लिखते हुए, लेकिन मैंने, मेरे मुंह से अनायास निकला और मैंने ये सुझाव मेरे हस्बैंड को दिया और उन्होंने उसको सहज मान लिया और हम लोग उसी समय बाजार गए और बाजार से जो भी इससे संबंधित चीजें थी सब खरीद के ले आए। जब लिखने बैठे तो ये लगा कि ये कैसे हो सकता है, कभी चावल बिगड़ जाता, कभी हाथ से चावल फिसल जाता, कभी ब्रश नीचे गिर जाती, इस तरह से मतलब लग रहा था कि मैं इसको पकड़ूंगी भी कैसे, लेकिन कुछ मन में ऐसा एक उत्साह था कि नहीं मैं कुछ करूंगी जरूर, और इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया। ये महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर को मैंने बनाई थी उनकी जन्म जयंती के ऊपर, और महात्मा गांधी के कुछ जो संदेश हैं जो कि समग्र दृष्टि से सब लोग मानते हैं उन संदेशों को, वो संदेश इस पे लिखे हैं। शुरू शुरू में मैंने जब लिखा तो पहले ऑयल कलर भी लिया, वाटर कलर भी लिया और भी कई सारे कलर्स लिए, कई सारे तरह के चावल काम लिए, लेकिन आखिर में मुझे ये सेलर आइस और पेंटिंग ब्रश और पोस्टर ब्लैक कलर, इन तीनों का समायोजन ठीक लगा और मैंने इन्हीं के द्वारा अपना काम शुरू किया। मैं नीरू छाबड़ा जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और इनकी कला को बहुत ही गहन रुचि के साथ मैंने देखा है। इनकी कला की खूबियों के बारे में जितने भी शब्द बोले जाएं वो दिखते दिखते शायद कम पड़ जाएंगे। एक ऐसे उत्कृष्ट श्रेणी की कलाकार हैं जिन्होंने विश्व की पहली महिला होने का गर्व हासिल किया है, जो चावल के दाने के ऊपर 108 अक्षर, अद्भुत, आज तक इस चीज को, रिकॉर्ड को इनके कोई तोड़ नहीं पाया है, और इन्होंने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है कि जो इनको एक सम्मान दिलाया है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। इनको भारत सरकार का नेशनल मेरिट अवार्ड मिल चुका है जो कि एक पहली महिला इस कला के लिए, इनको मात्र इन्हीं को ही मिला है आज तक। दूसरा, इनको क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल अवार्ड भी अभी हाल ही में इनको 2 साल पूर्व मिला है। वैसे तो अनेकों उपलब्धियां हैं, विदेशों में भी ये जा चुकी हैं अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए, भारत के अंदर भी अपने नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल की जो प्रदर्शनियाँ हैं उसमें अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि वैसे तो मैंने सुना है, शायद देखा भी होगा, कुछ लोग भी करते हैं,
वो केवल पेट कमा पैसा भर कमा के पेट भरने का जरिया बनाया हुआ है। कला नाम की चीज नहीं है। आप कहेंगे हैप्पी बर्थडे लिख देंगे, आपके लिए कोई शुभ नाम संदेश हो तो उसके अंदर गुड लक लिख के दे देंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। करते हैं, नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए थी। जो वास्तविकता, जो कला की खूबी, इन्होंने अनेकों प्रकार के संदेश दिए हैं, जिस संदेश के माध्यम से चावलों के ऊपर लिख लिख के अपना जो एक अद्भुत कला का प्रदर्शन दिया है, वह निश्चित रूप से कहा जा सकता है इनकी कला की कोई सानी नहीं है। मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सबसे पहले मैंने एच और ए, हैप्पी दीपावली आने वाली थी तो एच और ए लिखा। एच और ए लिखते लिखते धीरे धीरे मैंने हैप्पी दिवाली पूरा किया और वो चावल लिख के मैंने अपने ससुर जी को दिया। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मुझे एक चांदी का सिक्का दिया कि बेटा काम करो, जरूर तुम्हें सफलता मिलेगी। और उनका आशीर्वाद आज भी कायम है और मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। तो उस समय जब हैप्पी दीपावली मैंने लिख लिया तो मेरा कुछ उत्साह बढ़ा। और उसी समय मिसिस गांधी जो है जयपुर आने वाली थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम अगर चावल पर 55 अक्षर लिख लोगी तो तुम्हें इंदिरा गांधी से मिलवा दिया जाएगा। और ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा स्कोर था कहना चाहिए। और लेकिन बोले ठीक है, कोशिश करते हैं। कोशिश करते 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 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ऐसे करते करते 3-4 महीने के अनवरत प्रयास से मुझे 72 लेटर्स लिखने का एक ही अक्षर पे सफलता मिली। और फर्स्ट मेरा वही एक चावल था जो मैंने 72 लेटर्स अनवरत प्रयास करके 4-4, 5-5 घंटे लगातार काम करके मैंने वो सफलता हासिल की। वो उद्देश्य मैंने पाया और मिसेस गांधी से मिलने का मुझे मौका मिला और वो चावल जो है उनको भेंट किया और वो खबर अखबारों में, देश के सभी अखबारों में छपी। और उसका परिणाम ये निकला कि मेरा उत्साह कुछ बढ़ गया और मैंने अपने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया। श्रीमती नीरू छाबड़ा आपकी बहू है और जो चावल के ऊपर उन्होंने पिछले समय में 108 अक्षर लिख के रिकॉर्ड बनाया, 2 अक्षर से शुरू हुआ चावल जो छोटा से छोटा छोटा था सबसे बड़ा, तो ये कैसे, मतलब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इन्होंने जो इतना बड़ा मतलब चावल पे एक रिकॉर्ड बनाया, जो एक असंभव काम है, एक आश्चर्यजनक काम है, आपका किसके बारे में क्या उद्बोधन है, आप क्या सोचते हैं? नीरू मेरी पुत्रवधू है और चावल पर अब लिखने का जो उसने कार्यक्रम शुरू किया वो अपनी स्वतः प्रेरणा से किया है। इसके लिए उसने अपना किसी को गुरु नहीं बनाया, वो खुद ही स्वयं गुरु भी है और स्वयं ही शिष्य भी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहले सदग्रस्त है। अपने गृहस्थी के काम में कभी उसने अपनी इस कला को और कला के काम में गृहस्थी को बाधा नहीं आने दी, तो परिवार में वो सदग्रस्त है, समाज और कलाकारों के बीच में वो अभिनंदनीय कलाकार है। और उसने जो कला को विशेषता देकर के चावल पर लिखना शुरू किया, अब उसको सजाएगा कौन? खाली एक कृति अपने आप में नहीं, उसके चारों तरफ हम फ्रेम भी तो बनाते हैं। वो फ्रेम बनाने का काम किया प्रदीप ने, उसके पति ने। वो क्यों, हमारे सारे संस्कारों में श्रृंगार का काम पति का ही है, वही उसे सजावट देता है। सास सारे ससुर का काम तो है अवसर प्रदान करना, लेकिन सजाने का काम किसका है? तो जैसे पत्नी को सारा श्रृंगार देते हैं, तो उसने उसे अपनी पत्नी के कला को भी उस तरीके से सजा दे करके और सब जगह सर्वमान्य करा दिया। मैंने एज ए पत्रकार, मेरा काम था ये, मेरा जब उसका काम को, तो मैंने ये जरूर किया कि उसको जब भी कभी ऐसी स्थिति आई तो उसको अवसर प्रदान किया। तो आज ये है कि अमेरिका में भी क्लिंटन तक पहुंच गई वो, और हिंदुस्तान में कौन राष्ट्रपति है, महाप्रधान है, उस तक वो अपने में
अपनी कला को इन्हें पहुंचा दिया और मान्यता दिला दिया सारे संसार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चावल के लेखन को, जो कभी हमारी बहुत बड़ी कला थी, उसको वापस जीवंत कर दिया। मैं इसके लिए कला नीरू को तो आशीर्वाद देता हूँ, मेरी पुत्र वधु है, लेकिन उसकी कला का मैं भी अभिनंदन करता हूँ। ये कई हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी है कि भाई विवाद होते हैं कई बार कि हमारे देश का नाम रामचंद्र जी के जो भाई थे उनके उनके नाम से पड़ा, या शकुंतला दुष्यंत के जो थे भरत उनसे पड़ा। तो मैंने कई मतलब इनको जो आगम है, जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको पढ़ करके, और ये जो श्लोक है ना, ये जैन और जैनेतर ग्रंथों के द्वारा लिखे हुए हैं, ग्रंथों में से लिए हुए हैं ये श्लोक। और ये श्लोक ये दर्शाते हैं कि हमारे देश का नाम ऋषभ पुत्र भरत जो थे उनके नाम से भारत पड़ा है। इसमें पूरा ये जो आधार है वो जैन और जैनेतर ग्रंथ दोनों ग्रंथों के आधार पर है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा मतलब इसमें ये सब ये होता है कि इससे इसको पढ़ने से लगता है कि हाँ कि ऋषभ पुत्र जो भरत थे उनके नाम से हमारे देश का भारत नाम पड़ा। और ये बहुत मतलब पुराने मतलब बहुत काफ़ी साल से ऋषभ देव तो सबसे पहले तीर्थंकर हैं, तो हजारों साल पहले की ये नाम हमारे देश का है। मुझे अभी भी बहुत आश्चर्य है कि चावल पे इतनी सूक्ष्म लेखन कैसे किया जा सकता है। और जैसे मुझे आश्चर्य वैसे जो अभी तक आप जिन देश के और बाहर के गणमान्य नेताओं से मिली और उनको चावल पे अपनी कृति भेंट करी, तो उनको भी नेचुरली बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जो उनका आश्चर्य हुआ और जो आपने महसूस किया, तो ऐसी कौन सी हस्तियाँ जिनसे मिलकर आपको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ और आपके उत्साह में बहुत वृद्धि हुई, ऐसे कुछ नाम जो आपको अभी याद आए हो तो दर्शकों? हाँ, ऐसा है। एक तो सर्वप्रथम जब इंदिरा गांधी से मिली थी तो वो तो उनका तो नाम ही ऐसा था कि बिल्कुल ऐसा होता था उनके लिए, तो बाकायदा पहले पूरा इंटरव्यू वगैरह पहले से सारा जो हुआ है वो भी हुआ। उसके दूसरे दिन हम मिले और मिलने के बाद में जो खुशी है वो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। जो खुशी क्या बोली देख के, मतलब क्या भेंट किया था उन्होंने इंदिरा गांधी को? बेहतर अक्षर लिखकर के उन्होंने अपने मेरी पंजी का पुस्तिका उन्होंने हस्ताक्षर भी दिए और आशीर्वाद दिए उन्होंने। बहुत बहुत अच्छा कर लियो हमको वैसे आशीर्वाद। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनके अलावा राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, राजीव गांधी जी, राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और ऐसे ही सारे गणमान्य जो जो हैं हमारे देश के गणमान्य राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भैरव सिंह उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत साहब, ऐसे ही सब ये जो हैं इनसे सबसे मिलने का मुझे मौका मिला और सबने मुझे प्रशंसा में अपने हस्ताक्षर भी दिए और शुभकामनाएं भी दी। तो ये सब मेरे लिए एक उत्साह का कारण रहा और मैंने इस कला को निरंतर आगे बढ़ाने में अपना इनका और अभी भी आपकी ये कुछ जैसे आपने 108 कर को रहा है। हाँ। इसके बाद भी आपके दिमाग में कुछ ज्यादा चल रहा है कि आगे कुछ नया कुछ करना है? नहीं, अभी 108 का तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो है, अभी इसको मैं तोड़ नहीं पाई हूँ। मैं कोशिश करी लेकिन इसको मैं नहीं तोड़ पाई, लेकिन अब मेरा जो सारा ध्यान है वो विषयों पे आधारित आर्टिकल्स बनाने पे है। और अभी मेरा एक जो है मेरा अभी चल रहा है शिखर जी का, मैंने बनाया है एक आर्टिकल जिसमें शिखर जी के जो मोक्ष कल्याण के अर्थ हैं वो सब मैंने लिखे हैं, और वो सब शिखर जी की एक पूरी पेंटिंग बनेगी, उस पर वो मोक्ष कल्याण के अर्घ लगेंगे। वो एक मेरे उसके अंदर है कि वो आर्टिकल अब बनेगा। और एक आर्टिकल जो है वो मुनीश्वरनाथ भगवान का है, वो भी करीब करीब पूरा ही है, पर अभी वे पर कलाकृति के स्वरूप में अभी वो आर्टिकल्स नहीं आए, मैंने उन पर काम शुरू किया हुआ है, वो जब भी बनेंगे मैं जब आपको जरूर दिखाऊँ। श्रीमती नीरू जैन को जैन समाज में अधिकांश कलाकार जानते और पहचानते हैं। इन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी विधा अपनाई है जिसका कोई दूसरा सानी नहीं है। मैंने अब तक नहीं सुना कि नीरू जी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा कलाकार बना हो रहा हो जिसने चावल के एक दाने के ऊपर
पूरा पूरा श्लोक लिख दिया। जयपुर में आने वाले जितने इंटरनेशनल और नेशनल व्यक्ति रहे हैं उनको इन्होंने जब अपनी कला को दिखाया उन्होंने भरपूर प्रशंसा की। व्हाइट हाउस से आए हुए प्रेसिडेंट कैनेडी जैसे लोगों ने भी इनको इनकी कला को देखा परखा और इनको इनकी प्रशंसा में अब पत्र भी भेजे। मैं चाहता हूँ कि अपनी विधा को और आगे फैलाएं और खुद भी स्वयं भी और तरक्की करें। मैं तो जानता हूँ ये इतनी तरक्की की हुई है इनकी कला को देखकर सभी अचंभित होते हैं। जैन समाज इन पर गर्व करता है। जयपुर का ही नहीं राजस्थान का ही नहीं देश का पूरा जैन समाज इन पर गौरवान्वित है गर्वित है। ये तो हुई हमारे देश के गणमान्य नेताओं तक पहुँचने की बात और उसमें हमारे बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति तक जिसका एप्रिशिएशन मिला जो मैंने देखा। ये गणमान्य नेताओं तक पहुँचने की बात तो बहुत अच्छी है, आपको सराहना मिली और आपने मुकाम और आगे बढ़ाया। इसको प्रदर्शनियों में भी आपने क्या प्रदर्शित किया क्या कई जगह? जी कौन कौन से एग्जीबिशन है जहाँ? हाँ मैंने कई प्रदर्शनियों में भाग लिया जिसमें मद्रास में दो एग्जीबिशंस और गोवा में जयपुर में आगरा में और एक बार मुझे विदेश जाने का भी मौका मिला जर्मनी भारत सरकार की तरफ से, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा प्रशंसा मिली। क्या प्रसंग था भारत सरकार की तरफ से जर्मनी जाने का? वो एक कला मेला था वहाँ पे, उसके माध्यम से वो यहाँ से करीब भारत से 6 लोगों को भेजा था उन्होंने, उसमें मेरा भी नाम। ये बहुत बड़ी बात है, भारत सरकार ने सिलेक्शन किया है। हाँ जी हाँ, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हाँ, ये तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बर्लिन गई थी ना उस काम के लिए। हाँ। तो प्रदर्शनी में जनता का देश में और विदेश में, ये जर्मनी भी गई आपने प्रदर्शित किया, क्या जनता का क्या उत्साह था देखने के बाद? क्या कुछ कमेंट्स ऐसा कोई ऐसा आश्चर्य वाली बात आपको नजर आती हो कि कुछ ऐसा आपको सुन के बहुत समझ आता है ऐसे प्रसंग याद आता हो? नहीं ये प्रसंग तो बहुत सारे हैं जबकि लिख करके, और मुझे लोग बहुत आश्चर्यचकित रूप से देखते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है मुझे कि ऐसे लगता है लोग कहते हैं आज हमारा जयपुर आना धन्य हो गया कि हम आज आपसे मिल लिए, हमने ये चावल की कलाकृतियां देख ली और पैर छूके और मुझसे आशीर्वाद मांगते हैं। ये कई सारे ऐसे इंस्टांस हैं जो कि मुझे कभी कभी याद आते थे, लगता है ये भी ऐसा भी हो सकता है, तो ये चीज है। ये 75 है ना, ये तिरंगे के प्रतीक 75 ये बनाए हैं तिरंगे, और बीच में पूरा जनगणमन है। तो अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था उस समय मैंने ये बनाया था। आप अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करके दिखाना पसंद करें कुछ करके ऐसा? ये तो आपके लिए अब तो बहुत मतलब इतने बारी लिखना अब जाके क्योंकि 38 साल हो गए आपको और ये लिखा हुआ पढ़ना ना बहुत ही आश्चर्य है। यानी ग्लास से पढ़ पाते हूँ मतलब देख पाते हूँ? हाँ, पढ़ने के लिए लिखने के लिए ग्लास की जरूरत नहीं है। अभी देखो मेरे को तो पढ़ने में आ रहा है, लिखने के लिए ग्लास से लिख नहीं सकते। जय भारत, क्या गजब, बहुत ही आश्चर्यजनक। बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपने वास्तव में हमारे देश में एक से एक शख्सियत हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह के अचीवमेंट्स किए हैं। आप भी भारत के बहुत बड़े मतलब देश के गौरव हैं जिन्होंने आपने इस तरह का, और ये तो अभी तुमने जय भारत लिखा है इसमें तो मुश्किल से कितने अक्षर हुए? 5 और आप कह रहे एक चरण पे 108 अक्षर? जी एक चरण 108 अक्षर लग गए दोनों तरफ। आज हमने खुद ने देखा हमारी आंखों से कि आपने कितनी मतलब पेंटिंग ब्रश से कितना सूक्ष्म लेखन करके अक्षर पे दिखाया जय भारत लिख के, और आप 108 अक्षर लिख पाए इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं महावीर सोनी जी बैठे हैं उनको मैं
बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका मैं आभार करती हूँ कि उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए इस कला को चुना और इस सूक्ष्म कला का, चावल पर सूक्ष्म लेखन कला का गौरव बढ़ाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। ये भी जैन गुरु जो है आचार्य प्रसन्न सागर जी, मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का प्रवास जब पदमपुरा में था तब उनको 23 उपाधियों से अलंकृत किया गया था समाज की तरफ से, तो वो उपाधियां मैंने इस चावल के ऊपर लिखी कि गुलाब के फूल के अंदर जैसे गुलाब का फूल खिल करके सबको खुशबू देता है, वैसे ही गुरु भी सबके सबको खुशबू बिखेर रहे हैं, इस थीम को लेकर के ये मैंने बनाया। ये महात्मा गांधी के जीवन की पहली कड़ी के रूप में मैंने इसको बनाया है, जिसमें महात्मा गांधी की जन्म से लेकर और 20-25 सालों तक के उनका हर साल का इवेंट उन जीवन का है इसके अंदर, एक एक शादी कब हुई, फिर उन्होंने कब क्या किया, कब राजनीति में आए, कब, मतलब ये सारा उसके अंदर है पूरा। ये अंग्रेजी में है, ये मान स्तंभ का प्रतीक के रूप में ये पूरा चंदन से बनाया हुआ है, ऊपर महावीर भगवान है, इसमें महावीर भगवान का संक्षिप्त जीवन परिचय है इंग्लिश के अंदर, यहाँ पे शेर और गाय एक साथ हैं, वो महावीर भगवान का जो संदेश था जब अहिंसा का, उसके प्रतीक के रूप में बना है। कथानक के अनुसार जो ऋषभदेव हुए हैं उनकी स्तुति आचार्य मानतुंग ने 48 सालों में जब कैद कर दिया था उनको राजा ने, तब उन 48 सालों में जब कैद थे वो, तब उन्होंने उनकी स्तुति की और कहते हैं कि जब एक एक श्लोक उन्होंने पूरा किया तो एक एक ताले टूटते गए और वो बाहर निकल के आ गए खुद। उस पे राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने जैन धर्म की बहुत प्रभावना मानी और उनको उनसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने इतना गलत अपराध किया कि उनको ताले में बंद कर दिया। इसमें ये 16 पंखुड़ियों को, हमारे यहाँ 16 बीजाक्षर होते हैं ना, उन 16 बीजाक्षर के हिसाब से 16 पंखुड़ियाँ बनाई है मैंने, और 16 पंखुड़ियों में एक पंखुड़ी में 3 काव्य हैं, ऐसे 16 पंखुड़ी में 48 काव्य हैं, बीच में आदिनाथ भगवान है। ये जैन धर्म के ऊपर है, इसमें 24 ही है, ये 24 के नाम से 24 तीर्थंकरों की स्तुति है इसके अंदर, ये पूरा है ना चंदन के बने हुए हैं मूर्ति जो है, और पूरा गोल्ड का काम है इसमें, और 24 भगवान की ये स्तुतियां लिखी हुई है, इसमें गुणगान है उनका भगवानों। ये है पर्यावरण पे है, और पर्यावरण का जैसा कि आजकल पूरे विश्व के अंदर एक वो पूरी ऐसी नीति बनी हुई है कि पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बचाओ, तो वही सुन के मेरे दिमाग में भी आया कि कुछ पर्यावरण पे मैं भी काम करूं, उसी को लेकर के मैंने ये पर्यावरण एक समग्र दृष्टि ये पूरा कलाकृति बनाई है, जिसके अंदर ये बीच में देखेंगे ये पूरा पर्यावरण की भूमिका है कि पर्यावरण क्या है, कैसे क्या, मतलब एक हम किस आधार पर पर्यावरण को देखते हैं वो सब है। और जो ये पंखुड़ियाँ हैं, जो अलग अलग ये टहनियाँ बनाई हुई है, उसमें पर्यावरण के तत्व हैं, पर्यावरण की रक्षा कैसे की जा सकती है, रक्षा के क्या परिणाम होंगे, विनाश के क्या कारण है, विनाश के क्या परिणाम है, ये सब अलग अलग, जैसे विनाश के कारण और परिणाम बिना फ्लावर्स के दिखाए, वो विनाश के कारण और विनाश के परिणाम, विनाश के क्या कारण है और विनाश के क्या परिणाम हो रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म, यहीं से पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही चावल के लिए।